हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एच एल अकेडमी पर। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया सेशन लेके वोकैबुलरी का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला वर्ड कोलेस्ट। कोलेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम इसको अगर हम बोलें तो फ्यूज़न बोलते हैं। फ्यूज़न यानी फ्यूज़न का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जब दो वर्ड्स कह रहा हूँ मैं आपको, यानी दो बॉल जब मिल के समराइज होती हैं और एक बॉल बन जाती है, उस चीज़ को हम कोलेस बोलते हैं। जैसे कि अगर शायद आपने क्या कहते हैं फिज़िक्स में पढ़ा हो, तो जो हमारे पास जो सन की जो एनर्जी है, सन एनर्जी कैसे क्रिएट करता है? जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं और वो हीलियम को क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास सन कैसे क्या कहते हैं अपनी एनर्जी क्रिएट करता है? दो हाइड्रोजन मिलके आके पास हीलियम क्रिएट करते हैं, उसे हम फ्यूज़न बोलते हैं, और वहाँ से वो सन अपनी एनर्जी ड्राइव करता है। इसी को हम क्या कहते हैं कोलेस बोलते हैं। यानी अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो क्या कहते हैं, दो चीज़ों को जब एक साथ आते हैं और एक मास बनाते हैं और होल समराइज करते हैं, उसको हम कोलेस बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे, ये बॉल है और ये बॉल है, ये दोनों प्लस होके समराइज होके क्या बना रही है कि बड़ी बॉल बना रही है, तो इसे हम कोलेस बोलेंगे। सेंटेंस कैसे बोलेंगे? द पेडल्स हैज कोलेस इनटू शैलो स्ट्रीम्स। यानी जो पेडल्स हैं वो कोलेस करके एक शैलो स्ट्रीम, मतलब क्या कहते हैं छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उन्होंने मिल के एक धारा बना ली है। नदियाँ मतलब क्या कहते हैं आप लेक्स वगैरह बोल सकते हैं, तो उन्होंने एक रिवर बना ली है, स्ट्रीम बना ली है। इसके सिनोनियम होते हैं मर्ज करना, फ्यूज़ करना, एंटोनियम डिसॉल्यूशन और पार्टीशन, यानी अलग अलग होना, यानी फिजन जिसे हम बोलते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन जो हमने क्या कहते हैं टेंथ में पढ़ा है, न्यूक्लियर नाइन्थ टेंथ में पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है कि दो चीज़ें होती है, फ्यूजन में सबसे ज़्यादा ताकत होती है क्योंकि वो हमारे पास सन के अंदर पाया जाता है, फिजन थोड़ा क्या कहते हैं फिजन हमारे पास थोड़ा कंट्रोलेबल होता है, तो जो कि हम उससे ही अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं। फिजन का मतलब होता है कि क्या कहते हैं फिजन का ही मतलब होता है कि जहाँ पर हम वो चीज़ें को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, इसको हमने तोड़ दिया दो पार्टों के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम। मेंड, रिपेयर करना, किसी भी चीज़ को हम रिपेयर करते हैं, कोई भी चीज़ जो ब्रोक कर गई है, डैमेज हो गई है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि हम अपने हार्ट को रिपेयर कर रहे हैं। अब हार्ट रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ब्रोक हो जाता है, टूटता है, तो उसे रिपेयर तो करना पड़ता है। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपका वो क्या कहते हैं चीज़ें टूट गई हैं, आप हार्ट ब्रोक कर गए, तो टाइम लगता है ना चीज़ों को रिकवर करने में, तो वही मीनिंग है इसका। मतलब मेंट का मतलब होता है, इसको हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। किसकी तरह यूज़ करते हैं? वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है रिपेयर करना, यानी किसी भी चीज़ को जो कि टूट गई है या डैमेज हो गई, उस चीज़ को हम रिपेयर करते हैं, तो उसे हम मेंट बोलते हैं। सिनोनियम इसके क्या होते हैं? रिस्टोर करना, ओवरहॉल करना, ठीक है। एंटोनियम्स ब्रेक और क्या कहते हैं ब्रेक और टीयर, यानी किसी भी पार्ट में। अब जब आप रिपेयर करोगे तो क्या कहते हैं उसका अपोजिट तो ब्रेक ही होगा ना, जब टूटा हुआ होता है, ठीक है। सेंटेंस इसका हम कैसे, वर्कमैन वर मेंडिंग द फॉल्टी केबलिंग, यानी हमारी जो केबल, यानी जो हमारे पास वायर थे, वो जो टूट गई थी, उसको क्या कहते हैं जो वर्कमैन होते हैं वो रिपेयर कर रहे हैं। आपने जब आपके पास वो दूसरा वाला फ़ोन होता था ना, BSNL वाला जो फ़ोन होता था, BSNL वाला फ़ोन की जो लाइनें होती थी वो बहुत ज़्यादा टूटा करती थी, तो क्या कहते हैं वो लोग आते थे रिपेयर करने के लिए, उनको तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दो दो तीन तीन दिन चले जाते थे उनको रिपेयर करते करते, ठीक है। तो मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, कोई भी चीज़ जो टूट गई है, डैमेज हो गई है, उसको हम रिपेयर करते हैं। जैसे कि हार्ट ब्रोक, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब तीसरा है स्पाउजल। स्पाउजल का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी एक्ट आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी कॉज को, बिलीव को, या फिर किसी भी जरिए को, वे को, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पाउजल, ठीक है। इसका सिनोनियम सपोर्ट होता है, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, एड करना। एंटोनियम से रिजेक्शन, अपोजिशन। जैसे कि आप इस क्या कहते हैं इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये अपने पुराने रीति रिवाजों के द्वारा ही शादी
कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपने जो ओल्ड रिचुअल्स हैं, जो अपने क्या कहते हैं संस्कार हैं, जो चले हुए आ रहे हैं, जो अपने एक होता ना ट्राइबल कम्युनिटी में मान लीजिए या फिर हमारी कम्युनिटी में मान लीजिए कि क्या कहते हैं शादी होगी, वरमाला पहनाई जाएगी, मंगलसूत्र पहनाए जाएंगे, या फिर कोई दूसरी कम्युनिटी ले लीजिए यानी मुस्लिम्स में ले लीजिए कि उनका निकाह होता है और वो क्या कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है वो करते हैं, तो यानी कोई भी क्रिश्चियंस में होता है कि उनको सिर्फ चर्च में जाते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं और उनका शादी हो जाती है। तो उन्होंने जो अपना ही क्या कहते हैं जो क्या रिचुअल्स है उसको सपोर्ट करना किसी भी कॉज को, बिलीफ को, यहाँ पर रिचुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, खाली मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ कि इन्होंने अपने रिचुअल्स को सपोर्ट करा किस वजह से, शादी को उसी तरीके से अपनाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्किक। आर्किक का मतलब होता है ओल्ड फैशन, जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन यार कौन से जमाने में रह रहे हो इतनी पुरानी सोच रखते हो, तो वही वाला कि वेरी ओल्ड फैशन क्या कहते हैं वेरी बहुत ज़्यादा प्राचीन या फिर ओल्ड फैशन होता है ना कंजर्वेटिव फैमिली जिस टाइप की होती है कि आप ये नहीं कर सकते कि वो नहीं कर सकते, तो वही हमारे पास आर्किक आप उसे बोल सकते हो। इसका मीनिंग्स होते हैं न्यू और क्या कहते हैं एंटोनियम होते हैं न्यू और मॉडर्न। इसके सिनोनियम्स होते हैं एब्सोल्यूट यानी जो पीछे बहुत ज़्यादा पीछे हो गई हैं, एब्सोल्यूट हो गई हैं, ख़त्म ही हो गई हैं, बायगॉन इसे हम बोल सकते हैं। इसका क्या कहते हैं आपके पास सेंटेंस हो सकता है कि प्रिजन्स आर रन ऑन आर्किक मेथड यानी जो पुराने मेथड के द्वारा ही क्या कहते हैं प्रिजनर्स ने अपना क्या कहते हैं वो तोड़ के वहाँ से जेल खोद के भाग गए, यहाँ से इन्होंने सुरंग बनाई और दूसरे यहाँ पे निकल के इन्होंने यहाँ से वो भाग गए। तो होता है ना कि क्या कहते हैं हम अंग्रेज़ों ज़माने के जेलर हैं असरानी साहब, तो क्या कहते हैं उन्होंने वहाँ पर सुरंग, आहा हमारे जेल में सुरंग, तो वही वाले साहब करा उन्होंने क्या कहते हैं आप पुराने मेथड से जेल खोदी और बाहर निकले और यहाँ से भाग गए। इस सेंटेंस को क्या कहते हैं इसको हम पुराने प्रिजनर्स आर रन ऑन द आर्किक मेथड, मीनिंग इसका मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि इन्होंने ओल्ड लिटरेचर को इस तरीके से अपना रखा जो पुराने पीछे हमारे पास जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी चीज़ को हम अपना रहे हैं, तो उसको हम आर्किक बोल सकते हैं। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है पॉइंटलेसनेस और यूजलेसनेस यानी किसी चीज़ का कोई यूज ही नहीं है, आप कोई काम कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बैठता तो उसको ऑब्वियसली बात है वो आपके पास फ्यूटिलिटी ही कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ए पर्सन जो है वो यहाँ से धक्का लगा रहा है और बी वाला जो है वो यहाँ से रोक रहा है, तो ये बॉल यहाँ तो इधर आगे ही फॉरवर्ड करेगी ना ही पीछे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है ये कोई वर्क नहीं कर रहे, अपनी दोनों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, यानी ए ने इधर से धक्का लगाया, बी ने वहाँ से धक्का लगाया, वो इधर लगा रहा है वो इधर लगा रहा है, तो फोर्स वहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो भाई, न्यूट्रली तो हो जाएगी ना, तो वो इधर ही सरक रहा है ना ही इधर ही सरक रहा है जिसकी वजह से कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा चीज़ कर ही क्यों रहे हैं जिसकी वजह से इसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। तो फ्यूटिलिटी का मतलब होता है पॉइंटलेसनेस यानी इसका कोई मतलब ही नहीं बैठता, और सिनोनियम्स क्या होते हैं वैनिटी, स्टरिलिटी, एंटोनियम है इसकी यूजफुलनेस यानी आप कोई भी ऐसा काम करें ना जो फ्रूटफुलनेस है हमारे लिए क्या कहते हैं कम से कम कोई रिजल्ट तो लेके आए, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, पॉइंटलेसनेस यानी जिसका कोई भी मतलब नहीं होता काम करने का। ठीक है, इसका सेंटेंस है अ हॉरर एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, यानी हमारे पास जो वॉर होती है, देखिए वॉर हम किस लिए लड़ते हैं, ऑब्वियसली बात है कि क्या कहते हैं उसने जैसे मान लीजिए अभी चीन और इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो चीन हमारे उसमें आधे पार्ट में आया, उसने हमारी लैंड को कब्ज़ा करने की कोशिश करी जिसकी वजह से हमने क्या कहते हैं उसको डिफेंड करा, तो यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना लड़ने के लिए, कभी कभी तो हम बिना फालतू की बातों पर लड़ने, यार उसने मेरी बॉल ले ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे हम कि मम्मी उसने मेरी चॉकलेट ले ली, उसने मुझे मार दिया, तो ये चीज़ें जो होती हैं तो क्या कहते हैं इस चीज़ को फ्यूटिलिटी, जैसे कि हॉरर एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर यानी वॉर जो है वो कभी कभी बिना किसी पॉइंट के भी हो जाती है, क्रिएट हो जाती है कभी कभी, तो लड़ाई ऑब्वियसली बात है कि आपने देखा ही होगा अगर आप कहीं भी क्या कहते हैं जो शादी वगैरह में या फिर क्या कहते हैं किसी भी क्या कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे क्या कहते हैं ऐसे होता है कि क्या कहते हैं लड़ लेते हैं लोग बिना किसी मतलब कि हाँ एंटरटेनमेंट हो रहा है लड़ लो, तो फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है पॉइंटलेसनेस और यूजलेसनेस। अब ऑन इस लास्ट लेग, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, ऑन इस लास्ट लेग का मतलब होता है कि अब वो बिल्कुल ही अपने एंड पर है, अब तो भाई साहब उसे कोई नहीं बचा सकता, अब तो बस उसको भगवान की दुआओं की ज़रूरत है, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नियर द एंड ऑफ लाइफ यूजफुलनेस और द एग्जिस्टेंस यानी अब वो अपने लाइफ के एंड पर है या फिर यूजफुलनेस के एंड पर है या एग्जिस्टेंस के एंड पर है, एक फ़ोन है वो आपने 6 to 7 years यूज़ करा, अब वो बेचारा क्या कहता है उसने दम तोड़ दिया, अब वो बोल रहा है कि भाई साहब मुझे जाने दो, अब नहीं कर पाऊँगा मैं, अब हमसे ना हो पाएगा, इतनी सारी सुविधाएं दे दी अब नहीं कर पाएंगे हम कुछ भी, तो ये क्या हुआ यहाँ पर
क्या कहते हैं, आपने अब वो फ़ोन अपने क्या कहते हैं एंड पर है, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, अब तो उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हो रहा। अब उसने भी मना कर दी भाई साहब कि अब मैं अपडेट नहीं होऊंगा, अब तो आपको न्यू फ़ोन ही लेना पड़ेगा। आपके ऐप भी अपडेट नहीं हो रहे, आपका व्हाट्सअप भी सपोर्ट नहीं कर रहा पुराने फॉर्मेट वाला, तो अब क्या हो गया, यानी वो अपनी यूज़फुलनेस के एंड पर पहुंच चुका है, अब उसका कोई भी मतलब नहीं बैठता। उसको हम बोलते हैं ऑन इस लास्ट लेग। जैसे सेंटेंस क्या है, फाउंड्री बिजनेस वाज ऑन इस लास्ट, जो फाउंड्री का जो बिज़नेस था वो अब अपने लास्ट लेग पर है, यानी वो पूरी तरीके से खो चुका है, अब उसका कोई भी मीन नहीं है, वो बस अब ख़त्म ही होने वाला है, क्लोज ही होने वाला है। लास्ट एंड ईडियम जैसे अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड, कहने का मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आपने रावण और राम की तो लड़ाई सुनी ही होगी। राम जी ने जब क्या कहते हैं रावण मरने वाले थे, तो क्या कहते हैं राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाइए आप राम रावण से ज्ञान लेके आइए। अब लक्ष्मण जी थोड़े क्या कहते हैं स्टबर्न नेचर के थे, ठीक है, तो वो रावण के सिर पे जाके यहाँ पर खड़े हो गए। अब वो बोल क्या कहते हैं अब राम, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बहुत टाइम हो गया वो खड़े बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। क्या कहते हैं अब तो लक्ष्मी जी ने राम जी से बोला, देख प्रभु देख रहे हैं, ये कहते हैं इसमें अभी भी इतना अहंकार है कि ये कुछ बोल नहीं रहा है हमसे। तो क्या कहते हैं रावण उस बात पे बोलता है कि जो गुरु के चरणों से ज्ञान मिलता है, ना कि गुरु के सिर पे से आप ज्ञान ले सकते हैं। तब उसको समझ में आया, तो फिर वो जब जाके क्या कहते हैं राम के क्या कहते हैं रावण के चरणों पे जाके बैठा, तब उन्होंने बोला कि देखो मैं कहाँ हारा और तुम कहाँ जीते, मैं तब हारा जब मेरा भाई तुम्हारे साथ हो गया, और तुम इसलिए जीते कि क्योंकि वो तुम क्या कहते हैं राम इसलिए जीता क्योंकि तुम उसके साथ थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब घर डिवाइड होता है, यानी जब हाउस डिवाइड हो रहा है, यानी जब घर के ही साथ नहीं दे रहे, तो क्या कहते हैं आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। एवरीवन मस्ट, इसका अगर हम सेंटेंस के अगर क्या कहते हैं मीनिंग की बात करें इंग्लिश में, तो एवरीवन इन्वॉल्व मस्ट यूनिफाई एंड फंक्शन टुगेदर इट विल नॉट वर्कआउट, यानी सबको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्कआउट नहीं करेगा। होता ना कभी कभी ऐसे काम होते हैं कि आपको यूनिटी में ही काम करने पड़ते हैं। जैसे कि इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं कि जैसे कि हमारा नेशनल मूवमेंट चला था गांधी जी वाला, मतलब क्या कहते हैं जब हम इंडिया आज़ाद हुए थे 19 क्या कहते हैं वैसे तो 1847 57 से हमारे पास चला था, लेकिन मेन जो चला था हमारे पास 19 के बाद से क्या कहते हैं जो हमारे पास ज़्यादा, जब गांधी जी भी आ गए थे इन्वॉल्व हो गए थे 1915 से, जब हमारे पास गांधी जी इंडिया आ गए थे उसके बाद से इन्वॉल्व हो गए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पूरा देश एक साथ नहीं हुआ तब तक, जब तक पूरा देश एक साथ नहीं हुआ कि क्या कहते हैं अंग्रेज़ों ने भारत नहीं छोड़ा, तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं एकता में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो यही इस कहावत का मीनिंग, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। दस एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छे लगा हो, आपको मेरा काम पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसको और रिकमेंड करेगा, अच्छे और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, जिसकी वजह से आपको मेरा नोटिफिकेशन, जैसे ही मेरी कोई वीडियो आएगी आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।